रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर्स में हम शॉर्टली चंद अल्फाज में आपको एक खुलासा करेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होता है। तो आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे, सिंपल अल्फाज में आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड आपको समझाएंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और उसी में हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, या उसमें हमारे पास और कौन कौन सी बेसिक्स है, कंपोनेंट्स है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेस है। जब आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होगी तो तभी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझेंगे एंड फिर ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो रोल होगा तो वही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम की समझ नहीं है, उसकी बेसिक्स की समझ नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम के रोल को डिफाइन कर लें एंड उसी का आपको मालूम मात हो। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो डिस्कस करूँगी रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एनी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, आपका स्कूल हो सकता है, आपका हॉस्पिटल होता है, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी में इंफॉर्मेशन का क्या रोल है। तो बेसिकली एट्स रोल एज टू सपोर्ट द की एस्पेक्ट ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, डिसीशन मेकिंग, डेटा एनालिसिस एंड मोर। ये सारे हमारे पास जो है की एस्पेक्ट है जो हमारे पास इस रोल को समझाने का, समझ आ रही है हमारे पास जो इसका जो रोल है कि जो सपोर्ट करें हमारे पास बेसिक इनके जो की पॉइंट है और इसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो। जैसा ऑर्गेनाइजेशन में मीन जैसा हम कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं, डिफरेंस जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, तबादला करते हैं मालूमात का, इसके अलावा हमारे पास जो कि रिकॉर्ड कीपिंग होती है, हम अपने डिफरेंस रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, रखते हैं फ्यूचर के लिए, या हम कोई भी फैसला करते हैं किसी भी मालूमात को पहुंचने पर, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन में हम कोई भी एक्शन लेते हैं उसका जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, या हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का जो एनालिसिस करते हैं, या इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ये सारे हमारे पास रोल है ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अभी मैं दोबारा रिपीट करती जाऊँ कि द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन एट्स रोल एज टू सपोर्ट द की एस्पेक्ट ऑफ रनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन सच इज कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, डिसीशन मेकिंग, डेटा एनालिसिस एंड मोर। आई होप आपको इसी एक्सटेंडमेंट में कंसेप्ट हो चुका होगा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हो। अच्छा, हमारे पास है कि कंपनीज यूज दिस इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव देयर बिजनेस। अभी हमने जो बात कर ली, कम्युनिकेशन हो गई, रिकॉर्ड कीपिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी तो मुख्तलिफ किस्म के जो कंपनी होती है उसी इंफॉर्मेशन को लेती है एंड यूज़ करती है इसी इंफॉर्मेशन को, और उसी के थ्रू जो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बिजनेस करती है, जो भी उसका टास्क होता है उसी के थ्रू इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करता है। इसके जो बिजनेस के डिफरेंट जो ऑपरेशन होती है तो इसके थ्रू वो उसको इम्प्रूव करता है डिफरेंस कंपनियाँ एंड बनाता है ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीशन के जिसके थ्रू पर उसी के बेस पर वो गेन करता है एक कम्पिटिटिव एज को अपने टास्क को। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि हमारे पास जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है
एंड इसका क्या क्या रोल है अभी आपको पता चल गया है, और मुख्तलिफ कंपनियाँ जो इसी इंफॉर्मेशन को लेती है एंड इसी के थ्रू अपने बिजनेस के जो डिफरेंस ऑपरेशन होती है, टास्क होती है, उसी को सर अंजाम देता है, और वह उस टाइम तक सर अंजाम देता है जब तक उसको अपने जो प्लानिंग की जो गोल होती है वो अचीव ना हो जाए, एंड इस तरह वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है एंड गेन करते हैं अपने कंप्यूटर एज को, उसका जो अपना टास्क होता है उसको वो अचीव करता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी तरह का भी हो सकता है, तो उसका क्या क्या रोल होगा। जो मेन रोल होता है आज की लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, तो इसी के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होगा। तो आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी आपको नींद समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर ले एंड बता दे अपनी राय से कि आपको आज के लेक्चर में क्या चीज़ समझ नहीं आ रही और कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।